परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे वंदे गुरु वरं वंदे सचं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनें सुप्रभात गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग ओम अरहम। आज मंगलवार का दिन और जैसा कि हम सब जानते हैं मंगलवार को एक हमारा बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है, एक श्रृंखला चल रही है और अलका जी शाखला सूरत से हमारी कोऑर्डिनेटर जाने वाली प्रशिक्षक हमारे साथ जुड़ती है और हमें समताल श्वास प्रेक्षा के बारे में बहुत सुंदर तरीके से मार्गदर्शन कर रही है। समताल श्वास प्रेक्षा हमारे लिए कितना आवश्यक कितना लाभदायक प्रयोग एक हमें गुरुदेव ने बताया उसके बारे में हम जान रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने बहुत सी चीजें जानी। श्वसन तंत्र प्राण धारा प्राण शक्ति हमारे शरीर में कैसे काम करती है हम बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे ये प्राण शक्ति हमारी मनोकायिक जो बीमारियां हैं उससे कैसे हमें राहत दिला सकती है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी से निवेदन करना चाहूंगा आज का सेशन शुरू करने के लिए और सभी भाई बहनों से निवेदन अपने अपने पहले वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का वेलकम स्वागत कीजिए। अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत अभिनंदन ओवर टू यू अलका जी। बहुत बहुत धन्यवाद वेरी गुड मॉर्निंग और सबसे पहले गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत शुभकामनाएं हैप्पी गुड़ी गुड़ पाड़वा तो ऑल सभी को बहुत बहुत और शुभकामना। एक नया दिन नया वर्ष भी माना जाता है तो नई संकल्पना के साथ अपने जीवन की शुरुआत नए तरीके से भी कर सकते हैं। आज थोड़ी चिंतन मनन करें कि मुझे क्या करना है, क्या कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ पर नहीं कर रहा हूँ, ये सब बातों का चिंतन भी होना चाहिए और इसके साथ साथ अपना जीवन कैसे अधिक से अधिक सफल हो, शारीरिक मानसिक सब स्वास्थ्य प्राप्त हो, उसके दृष्टि से मैं क्या कर सकता हूँ, इसी पर भी थोड़ा चिंतन करेंगे गुड़ी पाड़वाओं के शुभकामनाओं के साथ। आज का विषय वैसे देखा जाए तो सिंपल भी है और बहुत गहराई का भी है क्योंकि मानसिक बीमारियां मुझे लगता है बहुत लोगों को होती है, बहुत सारे लोगों को होती है और उस पर उपचार करना भी एक बहुत कठिन समस्या होती है क्योंकि क्या है कि मानसिक विकारों के बारे में अगर पढ़ते जाएंगे तो पता चलता है कि उसके कारणों का भी पता नहीं है। अभी हर व्यक्ति का कारण कुछ अलग ही निकलता है, मतलब संशोधन करने वाले भी हर टाइम सोचते हो ये तो नया ही आ गया कुछ नया सा। तो इस प्रकार हर व्यक्ति अनुसार मानसिक विचार बीमारी सब कुछ अलग हो सकता है तो इसके उपचार करना भी उतना ही कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। तो चलिए हम शॉर्ट में आज जानेंगे, इसके पूर्व हम
हमेशा की तरह 3 बार ओंकार से शुरुआत करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, सभी गुरुओं को वंदन करेंगे और उसके साथ प्रयोग की शुरुआत करेंगे। तो सभी को नम्र निवेदन, सीधे बैठे, रीढ़ के हड्डी सीधे, कंधों को ढीला छोड़े, आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ केवल श्वास को देखिए, अपने आप को देखना। मानसिक उपचार हो या शारीरिक उपचार हो या जीवन के कोई भी भाव हो, स्वयं का सत्य खोजना बहुत जरूरी होता है। कुछ भी चाहते हो, अपनी प्रगति चाहते हो, अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हो, स्वस्थ मस्त हैप्पी हेल्दी रहना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है वृक्ष ध्यान का एक सूत्र बार बार याद कर, अपना सच्चुने से जा, मैं तिम्भुए स कपे। कोई भी उपचार करने हैं, स्वस्थ रहना है, तो ये दो तत्व जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। स्वयं का सत्य स्वयं खोजे, सबके साथ मैत्री का भाव रखे। बस ये मैत्री का भाव ना होने के कारण अनेक मानसिक बीमारियां हो सकती है। तो ओंकार से मन शांत होता है। तो चलिए, कभी भी मन अस्वस्थ हो, मूड ना हो, चिंता हो, दुख हो, कुछ भी हो, तो बस आंखें बंद करें और बहुत शांति से मैं मेरी समस्याओं को मिटाने के लिए, मन की चिंता दूर करने के लिए, दुख दूर करने के लिए, आनंद की अनुभूति के लिए ओंकार का जाप कर रहा हूं। ऐसे भावना करके कभी भी ओंकार कर सकते। अपना मनो का एक बल बढ़ाना है, प्राण शक्ति बढ़ानी है, ऊर्जा बढ़ानी है, कुछ भी बढ़ाना है, तो भी हमें ओंकार बहुत काम आता है। एक बिंदु, केवल एक बिंदु ओंकार, इसीलिए कहते हैं एक बिंदु, एक अक्षर में पूरा ब्रह्म आता है। तो इतना सा काम तो हम कर ही सकते। तो उठते समय ओंकार का जाप करके उठिए, सोते समय नींद आने तक ओंकार करते रहिए। बहुत बड़ी शक्ति है ओंकार में, जितना ओंकार के बारे में कहा जाए उतना कम है। अगर नियमित तो ओंकार नहीं करते हो तो आज से संकल्प करें कि गुड़ी पाड़वा के शुभ मुहूर्त पर मैं मेरे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, अपनी गति प्रगति के लिए, अध्यात्म का रास्ता खोलने के लिए, मानसिक शांति के लिए, भावनात्मक तनाव को कम करने के लिए, सामाजिक असंतुलन जो चल रहा है उसमें मेरा मुझे अपना संतुलन चाहिए, उसके लिए मैं ओंकार का जाप जरूर करूंगा। तो आज 5 बार ओंकार का उच्चारण करते हैं। करते समय ध्यान यही रखना है, ओंकार करने से पहले लंबा श्वास लेना ना भूले, अ की शुरुआत नाभि से हो, धीरे 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 ऊ कंठ तक आएगा और म में पूरे वाइब्रेशन मस्तिष्क में आए, सारे मस्तिष्क के तंतु सक्रिय हो जाए। अनेक समस्या होती है, मानसिक समस्याओं का केंद्र मस्तिष्क माना जाता है। अगर मस्तिष्क को संतुलित करना है तो ओंकार में अधिक के अधिक समय म को देना है। इसीलिए अगर हम 10 सेकंड ओंकार करेंगे तो 5 सेकंड में अ और उ और 5 सेकंड म के लिए, म का उच्चारण करते हुए पूरे वाइब्रेशन का अनुभव करें।
कल्पना करें पूरी प्राण शक्ति ऊर्जा काम कर रही है इसी भाव के साथ, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ लंबी श्वास भरे। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। दोनों बचपन से लेके आज तक जिसने भी कोई ज्ञान दिया है सब गुरुओं को याद करते हुए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। आराम से दोनों हाथ मस्तिष्क आंखों पर रखें। अगर धीरे से आंखें खोलें ये गुड़ी पाड़वा आपके लिए सौभाग्य और ढेर सारी खुशियां लाए। नया साल मंगलमय हो, इसी के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज लग रहा था मुझे कि आनंद भाई जी को कहे कि आज का टॉपिक रहने दो, हम तो केवल आज गुड़ी पाड़वा पर बात करेंगे, परंतु ऐसा तो थोड़ा गुड़ी पाड़वा की भी बात कर लेंगे। और गुड़ी पाड़वा के अवसर पर सबको खुशी और स्वास्थ्य और हर खुशी का आशीर्वाद मिलने के लिए हमें यह सब सीखना जरूरी है, वो भी जानेंगे। तो बाद में हर एक को अगर किसी को शुभकामनाएं देनी है, कुछ संदेश देना है गुड़ी पाड़वा का, तो लास्ट लास्ट में तैयार रहेंगे। इसी के साथ चलिए आते हैं हमारे आज के विषय पर। हमने देख लिया आज का विषय है मानसिक रोग। मानसिक रोग सही में कहते कि मानसिक रोग बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। मानसिक रोग कहते हैं इसको, मनोविकार कहते हैं, कोई मनोविकृति कहता है, कोई मानसिक बीमारी कहता है। पर सबसे बड़ी बात है कि आज के रिसर्च की दुनिया में भी मानसिक बीमारी के कारण स्पष्ट नहीं। इसकी परिभाषा व्याख्या करने जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है कि क्लियर ऐसा बोल दिया जैसे योग के लिए हम बोलते हैं
योग, यूज धातु है मतलब जोड़ना, बस योग मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, सिंपल भाषा। प्रेक्षा बोलेंगे तो प्र अधिक इक्ष, प्र मतलब गहराई से, इक्ष मतलब देखना, अपने आप को गहराई से देखना प्रेक्षा है। परंतु मानसिक क्या है, बीमारी विकृति क्या है, परिभाषा स्पष्ट नहीं, बहुत सारी परिभाषा है, अगर नेट पर जाओगे तो सैकड़ों परिभाषाएं मिलेगी, और हर देश इस पर रिसर्च करता है, अभ्यास करता है, उनका भी सारा विचार। नेट पर जाने की और कोशिश की मैंने, परंतु मुझे ज्यादा कुछ सेटिस्फाइड ऐसा नॉलेज नहीं मिला, इतना कि मैं क्लियर कट आपके सामने रखूं। एक बात तो क्लियर है कि इसका जुड़ाव है वो मस्तिष्क है, मानसिक बीमारियों का जुड़ाव है वो मस्तिष्क से है, इतना तो क्लियर हुआ। और रिसर्च में देखा तो 2019 में, 2019 में पूरे दुनिया भर 264 मिलियन लोग मानसिक बीमार, मिलियन लोग, मतलब सोचो कि कितनी बीमारी होगी, कितने लोग साइकिक हो गए, कितने लोग मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो गए। तो 2019 का रिसर्च है, पूरे दुनिया भर में 264 मिलियन लोग मानसिक विकारों से पीड़ित रहे हुए हैं। हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर डीप में जाए तो मानसिक उपचार कब शुरू हुए, उसका इतिहास क्या है, पूर्व लोग क्या कहते थे, आज के लोग क्या कहते हैं, इतना सब हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने पॉइंट्स पे शॉर्ट में जितना जान सके उतना जानने की कोशिश करेंगे, और मनोविकार के लिए प्राणायाम और प्राण शक्ति कैसे उपयोगी है, बस ये दो पॉइंट पर हम कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। एक बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि इसका संबंध मन से है, मनो विकृति मन से संबंध है, जैसा इसका मस्तिष्क से जुड़ा है वैसे अपना संबंध मन से है। और आपको मालूम है मन को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम ही एक उपचार है, इसका मतलब उपचार में जो प्राधान्य दिया जाएगा वो है प्राण और प्राणायाम। तो इसीलिए एक ऐसा विषय कि जिसके लिए लोग रिसर्च कर 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 थक रहे हैं, उसी भी को हम सिंपल तरीकों से जानेंगे, हमारे प्राणायाम के उपचार कितने प्रभावी है और कैसे है उसको जाने। तो सिंपल अगर मैं आपको एकदम छोटी सी बात बताऊं मानसिक उपचार की, छोटी सी बात तो आपके सामने आ जाएगी। तो देखिए, जैसे एक आधे विषय की चिंता शुरू हो गई, ठीक है, चिंता होना स्वाभाविक है, जीवन में जीते तो रोज कोई ना कोई प्रसंग सामने आता ही है, तो चिंता तो होती है। परंतु वो चिंता अति हो गई कि चिंता के सिवा उसको ना खाना सूझ रहा है, ना नींद आ रही है, ना पानी पीना सूझ रहा है, लोग बोल रहे हैं कितना घंटे बैठा है, पागल हो जाएगा, तू पागल तो हो गया चिंता करते। तो छोटी बात जो नियमित होनी चाहिए, अपन बोलते ना तनाव भी जरूरी है काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए तनाव जरूरी है, अगर तनाव नहीं हो तो पढ़ाई होगी नहीं, परंतु तनाव इतना लेके पढ़ाई नहीं हो रही, ये भी काम का नहीं है। वैसे हर चीज है, समझ लो भय लग रहा है, भय लग रहा है तो ठीक है भाई, लगता है, भय होता है कभी कभी आपको तो, परंतु उस भय से इतना ग्रस्त हो कि कुछ भी दिखे, डोरी दिखे तो भी साफ साफ करके चिल्ला के उठेगा, पेड़ दिख गया तो उसकी छाया घिरने लगी, देखो भूत आ गया, भूत आ गया, देखो नीचे पड़ गया, वो सारा घिर रहा है, मतलब वो इतना भय से ग्रसित रहेगा कि वो साइकिक हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि जीवन की सारी चीजें जो है वो जब सामान्य अवस्था में होती है, संतुलित होती है, तो जीवन अच्छा चलता है, परंतु इसका संतुलन जब बिगड़ जाता है तो ये सब पूरा का पूरा, देखो शंकाएं थे अपने मन में, कुछ शंकाएं आती है, छोटी छोटी बातों में बता रही हूँ, शंका आती है तो अपन शंका दूर करते हैं, निरसन करते, बस वो शंका लेके कुछ काम ही नहीं करने, मेरे को पता है वो तो करूंगा ना तो ऐसा ही होगा, बस एक शंका से ग्रसित हो गया, काम खत्म, ठप हो गया, कुछ नहीं कर पा। तो चिंता हो, भय हो, अशंका हो, ईर्ष्या हो गई, अब दूसरे किसी को कुछ मिल रहा है और तुमको नहीं मिल रहा है, बस ईर्ष्या, इतनी ईर्ष्या ईर्ष्या के, बस ईर्ष्या में ही आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, उसके पास इतना है मेरे पास नहीं,
मेरा 2 बेडरूम है, उसका 4 बेडरूम हो गया, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, बस ईर्ष्या करते 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 करते, ऐसी छोटी छोटी बातें। तो हमें जाने के जीवन ऐसा है ही नहीं कि इन छोटी बातों में बिताया जाए, इसीलिए इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो हम शॉर्ट में देखने के पड़ेगा। परंतु धीरे 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 इसका परिणाम क्या होता है, शारीरिक व्याधि में वो परिणाम दिखाई देता है, शारीरिक व्याधि में ये परिणाम होता है। मानसिक बीमारी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शारीरिक बीमारी बढ़ जाती है, इसीलिए मेन कारण क्या है। चलो अब आप लोगों का प्रश्न है, आपको प्रश्न मैं आपको पूछ रही हूँ, मेन कारण क्या है मानस, अपने दो दो पॉइंट इम्पोर्टेंट है मानसिक उपचार के लिए, ये दो कारण से हम विक्षिप्त तो हो सकते हैं, मानसिक विकारों से ग्रस्त हो सकते हैं। तो ये बताइए कि कौन से ऐसे दो कारण हो सकते हैं। यस, लिखिए लिखिए, बोथरा सर, बोथरा जी लिखिए। यस, नकारात्मक भाव, दीर्घ श्वास मैं पूछ रही हूं कि कारण क्या है विकार होने के, दीर्घ श्वास तो कारण नहीं हो सकता है। अशोक जी आप प्रश्न को समझिए कि मैं ये पूछ रही हूं कि क्या कारण हो सकता है, निवारण के लिए बात बाद में करेंगे अशोक जी, हम अपन पॉइंट टू द पॉइंट चलेंगे, पहले कारण देखेंगे फिर निवारण करेंगे। तो कारण तो ओवर थिंकिंग है, पर अपने को ये सब मैंने बताया, ओवर थिंकिंग मतलब ज्यादा चिंता करना, ये सब आ गया, पर शॉर्ट में इन सबको कवर करते करते क्या लिखा है कनक ने, असंयम, करेक्ट, बहुत सुंदर, परफेक्ट उत्तर, वेरी गुड कनक, के लिए वाह वाह करो, वाह वाह, वेरी गुड कनक, यस। असंयम, जिस व्यक्ति में संयम नहीं होता है कोई भी चीज का, खाने का संयम नहीं हो वो भी पागल हो जाएगा, खाता ही रहेगा, दिन भर खाता है, क्योंकि संयम ही नहीं है उसको, तो वो शारीरिक बीमारी हो जाएगी, मानसिक बीमारी, मानसिक विकार में भोजन भी एक है, भोजन का विकार उसका नाम है, भोजन का विकार, उसको दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है, उसको बस खा लिया थोड़ा देर इधर, और है क्या कुछ खाने को, नहीं तो खोल के बैठेगा। तो इस तरह असंयम, जिसका जीवन संयम में होता है, संयम विचारों में भी होता है, भावनाओं में भी होता है, हर चीज में संयम होता है, बहुत अच्छा उत्तर। और एक चाहिए, असंयम जैसा ही जवाब है, एक सिंपल बात है, एकदम बिल्कुल असंयम जैसी शॉर्ट एक ही वाक्य, ऐसा ही है, एक ही शब्द है, एक असंयम से ये बीमारी हो सकती है और एक चीज से हो सकती है, सोचो थोड़ा, अगर बता सकते हैं तो बताइए, कोशिश कीजिए। यस, आ रहा है तो बताइए, वरना मैं तो बताऊंगी। अनिद्रा नहीं, असहिष्णुता, असहिष्णुता हो सकता है, करेक्ट है वो भी, असहिष्णुता भी परफेक्ट उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है, असहिष्णुता भी एक उत्तर है, अनिद्रा भी है, अनिद्रा से भी होता है, और बोलो, चलो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए करते कि असंतुलन, जिसके जीवन में संतुलन नहीं होता है, जैसा असंयम होता है वैसा ही जीवन में असंतुलन भी होता है, हर चीज में अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो निश्चित ही एक पलड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो बीमारी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए एक और बात है कि जिससे बीमारी हो सकती, एक और बात है, प्राण शक्ति की कमी, ये तो ठीक है, प्राण शक्ति की कमी तो वो तो है ही, पर वो बीमारी से, वो प्राण शक्ति की कमी तो हर चीज के लिए काम आएगी, अपन केवल अभी मानसिक देख रहे हैं, तो एक और चीज भी हो सकती, और एक चीज सोचने की कोशिश कीजिए। यस, शरीर के साथ साथ एक चीज हो जाती है और फिर वो रुग्ण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो चीज ही खराब है, और वो खराब चीज हमने की तो बीमारी तो आने ही वाली है, निश्चित आने वाली, और वो हमारे संस्कार है, वो हमारी संस्कृति है, और उसको हम बहुत ज्यादा महत्व भी देते हैं, कौन सी ऐसी चीज,
चलिए मैं बता देती, वो है नैतिकता। अगर अनैतिक विचार रहे, अनैतिक जीवनचर्या रही, दिन भर अनैतिक काम करते रहे, तो ये बीमारी यहाँ बिल्कुल बैठ जाएगी। अनीति का शोषण, अनैतिकता का, और ये परिस्थिति इतनी विक्षुब्ध हो जाएगी कि वो डेफिनेटली मानसिक रुग्ण हो जाएगा। इसीलिए हमें अनैतिकता सामाजिक समस्याएं ऐसी उत्पन्न करती है कि खुद का भी मनोबल कम होता है, सामने वालों का भी मनोबल कम होता है। क्योंकि अनैतिकता देखने के बाद कुछ लोगों को गुस्सा भी आ जाता है। वो बोलता है कितना गंदा काम कर रहा है वो, और कितना पैसा खा रहा है, बस वो पैसा खा रहा है इसलिए मैं भी बीमार हो रही हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। तो खुद तो अनैतिक है, बीमार हो गया, उसका जीवन देख देख के मेरा संयम खत्म हो रहा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो मैं भी बीमार हो जाऊंगी। तो इस प्रकार बीमारियों के छोटे छोटे कारण है। और शरीर की तुलना में, आप जानते हैं, शरीर की तुलना में मन कई गुना, हजारों गुना अधिक इम्पोर्टेंट है। मन बहुत इम्पोर्टेंट है, इस मन को नहीं जानेंगे एक बार तो मन पे क्लास होनी चाहिए। क्या है मन, कैसा होता है मन, कितने प्रकार के होते हैं मन। मन पर हमारा एक पेपर ही है, हमें, मैंने ऐसे भी एमए साइकोलॉजी भी किया हुआ है और एमए मैंने जीवन विज्ञान जो किया है परीक्षा ध्यान, उसमें भी मन पर पूरा एक टॉपिक है हमारा। तो कभी कभी वो पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मधु जी का मैसेज आया है, बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने लिखा है कि नवरात्रि की पूजा है मेरे घर में, सुबह सुबह पूजा है, इसलिए मैं आज ज्वाइन नहीं कर पा रही। देखिए ये मन का है, उनका भाव, अपनी भावना उन्होंने प्रकट कर दी। अब भावना प्रकट नहीं करते हुए ना पूजा में मन लग रहा है, जहां मुझे तो मुझे क्लास करनी थी, ना धर कुछ किस तरह अगर असंतुलित हो गए, संतुलित तो उन्होंने कर दिया कि भाई आज मैं क्लास नहीं ज्वाइन करूंगी, दिस इज कॉल्ड संतुलन। अब ये संतुलन ना कब पूजाओगी, मुझे तो क्लास करना है, घर में चपर चपर शुरू करेंगे, मतलब शांति से पूजा भी नहीं करने देंगे, खुद भी बीमार, मानसिक और सामने वालों को भी बीमार कर देंगे। तो यही छोटी छोटी बातें होते, तो मन को बहुत इंपॉर्टेंट है, मानसिक रोगों के लिए मन को जानना भी बहुत जरूरी है। हो सके तो हम मन पे छोटी सी एक आधी क्लास भी नेक्स्ट टाइम रख भी सकते, और शॉर्ट में मन को जानेंगे, जितना साइकोलॉजी में डालना जरूरी है डीप में उतना तो जरूरी नहीं, परंतु रोज के जीवन में मन को समझना जितना जरूरी है वो भी हम कर सकते हैं। तो आजकल मानसिक बीमारों की इतनी बाढ़ आ रही है, आजकल तो बहुत तूफान की तरह, जैसे बोलते ना बाढ़ आ रही है, वैसे मानसिक बीमार बहुत लोग हो रहे हैं, ये चक्रवात जैसा हो रहा है। क्योंकि लोगों को गुस्सा आ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, असंतुष्ट लोग, बहुत संतुष्टि नहीं है किसी चीज में, सतत शंका, चिंता, उदासीनता, कुछ नहीं मिला तो उदास होके बैठना, कुछ नहीं आ रहा है तो उदास, इतनी उदासीनता, इतनी उदासीनता कि वो मनोविकार में बदल जाती है। तो आजकल ये सब बहुत बड़ा है। तो मस्तिष्क के छोटे छोटे हिस्से, इस पर है ना एक डॉक्टर को ही बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने उसका स्टडी करने की कोशिश की कि कौन से मस्तिष्क के कौन से भाग पे कौन सी बीमारी कैसी काम करती है। बाप रे, वो तो मेरे ऊपर से चला जा रहा है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था, उसके फोटो भी देख लिए। फिर मैंने, मेरी एक फ्रेंड है संध्या को बोला तू आ जाना, अपन ये चैप्टर थोड़ा समझने की कोशिश करते, कोशिश की हम दोनों ने मिलके, पर हमको भी समझ में नहीं आ गया, फिर हमने छोड़ दिया। क्योंकि कोई भी अति नहीं करना है, ठीक है, जितना आपको समझाना है उतना मेरे मानसिक लेवल पे समझा सकती हूँ, वो समझाऊंगी, कोशिश करूंगी कि किसी डॉक्टर को एक दिन बुलाऊंगी और वो मस्तिष्क के एक एक प्रॉब्लम में क्या प्रकार है वो बता देंगे। तो मेन जो बीमारियां है, मेन उसको दो बड़े भागों में बांटा है, मेन बीमारियों को दो बड़े भागों में बांटा है, आपको पता है उसका दो बड़े भाग ऐसे है। एक तो पूरे शरीर पर काम करता है, वो शरीर के संबंधित रहता है, उसको ऑर्गेनिक कहा गया, ऑर्गेनिक शब्द यूज किया है, और दूसरा है वो फैक्शनल यानी सूक्ष्म क्रियाओं के संबंधित है। तो एक है वो शरीर के संबंधित है, दूसरा है वो सूक्ष्म क्रियाओं के संबंधित है। उदाहरणार्थ कि अगर अपने को एक व्याधि हो गई, देखो ये है व्याधि, आदि और उपाधि, राइट, हम तीन चीजें जानते हैं, क्या जानते हैं, व्याधि, आदि और उपाधि। शरीर है वो कौन सी बीमारी है,
शरीर की बीमारी है वो कौन सी है, तो आदि व्याधि कौन सी है ये बता दीजिए कि कौन सी आदि है, कौन सी व्याधि है और उपाधि किसको कहते हैं। तो ये तीनों व्याधि, व्याधि कौन सी है, क्या है व्याधि, व्याधि कौन सी बीमारी है। तीन बीमारी ठीक है, अपन सामान्यता समझ लेंगे। एक शरीर की बीमारी होती है, एक मन की बीमारी होती है और एक भावना की बीमारी। तो ये जो बीमारी है वो तीन भागों में है, वही बीमारी व्याधि आदि और उपाधि। ठीक है, तो शरीर की जो बीमारी होती है उसको व्याधि कहते हैं, मन की बीमारी होती है वो आदि होती है, और भावनात्मक बीमारी होती है वो उपाधि होती है। तो इस प्रकार अपन ये सारे मन को तोड़ना मोड़ना, मन पर ज्यादा तनाव देना, तो ये इस प्रकार के मस्तिष्क में कोई व्याधि पाई जाती है तो वो मनोरोग का कारण हो जाता है। मस्तिष्क में हो गया, अभी कैसे जैसे कैंसर हो गया अपने अंदर हो गया, ये शरीर में हो गया, तेज बुखार आ गया, ये मस्तिष्क की रक्तवाहिनियां उसमें काम करती है। इसमें ये सब डायबिटीज होना, ये सब सारे शरीर के रोग हो गए। और बारीक बारीक क्रियाओं के नजर मतलब मनोवैज्ञानिक होते वो कौन से होते, वो कम होते हैं। और वो वैज्ञानिक भाषा में इसको क्या बोलते हैं मालूम है, दो बीमारियों को, एक बोलते माइनर बीमारी और एक बोलते मेजर बीमारी। दो भागों में बांटा है तो विज्ञान उसको कहता है मेजर बीमारी और माइनर बीमारी। अब माइनर बीमारी इसको लघु मनोविकार भी बोलते हैं, लघु मनोविकार। ये पूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करते, पूरा व्यक्तित्व नहीं प्रभावित करते, थोड़ा सा भाग उसका है वो व्याधिग्रस्त हो जाता है और पर्सनैलिटी पर डिसऑर्डर हो जाता है। पर्सनैलिटी होती है वो विक्षिप्त तो हो जाती है थोड़ी, समझ लो कि समाज विरोधी मनो, अगर कोई मनो नशीले द्रव्य की आदत लग गई, कोई नशा कर रहा है, अब ये क्या होगा, नशा एक छोटा उसका व्यक्तित्व पूरा बदल जाएगा, वो व्याधि के रूप में आ जाएगा। व्यक्ति स्वयं को किसी को व्यवस्थित जीवन नहीं पी जाएगा, जब तक दारू नहीं पीता समझ लो जो नशा वाला है तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो छोटी आदत, छोटी चीज, माइनर चीज फिर बड़ी बन जाती है, मेजर बन जाती है। शुरुआत तो माइनर से ही होगी, फिर बढ़ते बढ़ते वो मेजर हो जाएगी। तो इस प्रकार व्यक्ति स्वयं को अपने पटरी पे नहीं बिठा पाता है, रेगुलर जीवन अच्छा नहीं जी पाता है, पी लिया दारू आके गुस्सा करेगा मारेगा, तो जीवन में दूसरे दिन उसको पछतावा भी हो गया कि मैंने गलत किया। अगर अपने पत्नी को मारा तो उसके पास जाके रोएगा, बैठेगा, माफी मांगेगा, पर जो हो गया वो तो हो गया ना। इस तरह मानसिक विकार भी काम करते हैं। और मेजर होते हैं वो रोगी का पूरा व्यक्तित्व खराब हो जाता है पूरा, जैसे मतलब नशीला है वो एक दिन के लिए हो गया, नशा किया उतना हो गया, बाकी तो जीवन वो नॉर्मल जी लेता है। परंतु मेजर बीमारी होती है वो तो बहुत ज्यादा काम करती है, वो तालमेल नहीं पा जाता है। लोग बोलते हैं वो पागल है, ऐसे पागल लोग होते। और मैंने मेरे गांव में भी देखा है कि पूरे दिन उसके गांव में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बोलते वो पागल है, दिन भर ऐसे ही घूमता रहता है। तो ऐसे भी प्रकार होते हैं कि जो लोग बहुत प्रकार के भावनात्मक कारण समझ लो कि वैचारिक विचारों के कारण माना किसमें भी क्षिप्त हो गया ये हमें नहीं पता चलता है। पर दो मेन होते हैं, एक तो भावनात्मक, कोई घर में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, किसी के साथ नहीं जमता या कुछ कारण, तो इस प्रकारे ये बहुत सारी मतलब सिजोफ्रेनिया बोलते हैं उसको, इस तरह अनेक रोगों को बांटा गया है। तो इतने डीप में नहीं जाते हुए एक बात हम समझ लेते हैं कि जैसे इसके लिए प्राणायाम काम की चीज है, तो चलो हम थोड़ा सा श्वास का प्रयोग करते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सा हम क्या जानेंगे कि हमें बीमारियों के लिए कौन कौन सी मानसिक बीमारी है, फिर उसके मानसिक बीमारियों का एक एक नाम जानेंगे और उनके लिए कौन सा प्राणायाम उपयोगी है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहला प्राणायाम में जो उपयोग किया जाता है, सबसे पहला उपयोग कौन सा होता है, तो इसके लिए हम जानेंगे बीमारी क्या होती है और उपचार क्या होते हैं। परंतु एक कॉमन के रूप में कोई भी मानसिक बीमारी हो तो प्राणायाम काम आता है, एक कॉमन प्रिंसिपल हमें समझ लेना है। सही तरीके से अगर श्वास लेना सीख गया, और हमने जो सीखा है समताल श्वास चार भागों में बांट कर अगर उसने प्रयोग किया तो निश्चित ही उसके मन की जो जंजाल है वो सब खत्म हो जाएगा, उसके जीवन में नियमितता आएगी। और श्वास अंदर रोकने के बाद अपने भावों को वो
अगर बदलने की कोशिश करेगा, जब कुंभक होता है उसमें, मैं बदल रहा हूँ, मेरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है, मेरी मतलब तनाव हो तो मेरा तनाव कम हो रहा है, चिंता है तो मेरी चिंता कम हो रही है, श्वास छोड़ते समय मेरी चिंता जा रही है, जा रही है, मेरी चिंता निकल रही है, और फिर बाह्य कुंभ, हाँ गई चिंता, गई, हाँ अच्छा लग रहा है। इस तरह भावनिक अपने आप को ठीक करने का समताल श्वास सबसे बढ़िया, सबसे सरल और सबसे सीधा रास्ता है। तो चलिए शुरू में हम थोड़ा सा समताल श्वास का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में हम जानेंगे कि कितने प्रकार के बीमारियां हैं। तो 1-2-4 मिनट के लिए प्रयोग के लिए सभी तैयार, समताल श्वास प्रेक्षा। और अभी बहुत सुंदर गुरुदेव का भी आ रहा है, तो आचार्य महाप्रज्ञ ने जो कहा है वो भी आ गया है, अगर वो भी हम कर सकते तो वीडियो आनंद भाई जी सबको भेज देंगे। महाप्रज्ञ जी ने बोला है और उसके बाद समताल कर करके दिखाया है, बहुत अच्छा वीडियो है वो, अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे है, मुझे वो शेयर करके आएगा ना आनंद भाई जी नेक्स्ट टाइम, या तो फिर ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है। तो चलिए सब सीधे सुखासन में, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे बैठे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर देना है। कल्पना भी कहीं करनी है कि छाती और पसलियों का विस्तार हो रहा है, उस विस्तार के साथ ही पूरक और रेचक, पूरक और रेचक, ये छाती का श्वसन होता है, छाती का श्वसन। जब हम दोनों प्रक्रिया करते हैं तो वो रोग निवारक के लिए काम आती है, योगिक श्वसन भी बोलते हैं इसको, ये सर्वश्रेष्ठ है योगिक श्वसन। पहले छाती से श्वास लेना, फिर पेट पेट को शिथिल करना, फिर पेट पर ध्यान देना, इस प्रकार केवल श्वास, पहले कहाँ आ रहा है, हाथ रखिए अपना राइट हैंड हार्ट पे रखिए, हृदय पे रखिए, और कल्पना करिए कि यहाँ हृदय पे जो प्रॉब्लम है, चिंता, हृदय पे भी धड़कन होती है, तो मैं पहले श्वास ऐसे भरूंगा तो मेरे छाती से श्वास भर रहा है, पहले आप श्वास करिए छाती, और अनुभव करे छाती ऊपर नीचे हो रही है, अपना ध्यान अभी नाभि पे कंसंट्रेट नहीं है, पूरा ध्यान छाती पे कंसंट्रेट कीजिए, फेफड़ों पे कंसंट्रेट कीजिए, और श्वास भरे, यह श्वसन क्रिया उपचार के रूप में भी की जाती है। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ाती जा रही है, और सबसे बड़ी बात श्वास लेने की जो प्रक्रिया है उसकी भी लंबाई बढ़ानी है, लंबा दीर्घ श्वास लेने की कोशिश करनी है, आवेश ग्रस्त मन स्थिति होती है तब यहां श्वास लेने से क्रोध असंतुलन कम होता है, क्रोध लास्ट में समताल करेंगे। मैं कुछ प्राणायाम इसके लिए बता रही हूँ, मनोविकार के लिए। तो पहला छाती के ऊपर पूरा भार देते हुए पेट को पूरा फुलाना है, और अनुभव करना है कि मेरा वे क्रोध कम हो रहा है, कम हो रहा है, चलिए अब दूसरा प्रयोग कर लेते हैं हम, इसी में प्रयोग दूसरा आवेश और आवेश कम कर।
बाई ओर से श्वास लेते हैं, बाई ओर है वो चंद्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी है, तो हमें राइट नाड़ी, चाहे तो अपने अंगूठे से राइट नाड़ी को बंद करना है, और बाई ओर से श्वास ले। और वही रोकने की कोशिश करें, और धीरे धीरे वही से श्वास छोड़े, केवल चंद्र नाड़ी से श्वास करना है, ये शांति देती है। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट भावना का प्रयोग होता है, वो करना है। ज्योति जी, आप चंद्र नाड़ी का कोश करने का प्रयास कीजिए, मुझे आपका दिख नहीं रहा है। ज्योति जाधव, कोमल बराबर है, राइट बंद करना है, राइट बंद करना है, और लेफ्ट से श्वास लेते हुए भावना करें। अब देखो मैं बताती हूँ, वो भावना को ध्यान रखें, आंखें कोमलता से बंद है, चेहरा शांत है, मेरा क्रोध आवेश अस्वस्थ मनस्थिति को कम करने के लिए चंद्र नाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। भावना करे, श्वास भरे, तब कल्पना करे प्रकाश की किरणें चंद्र नाड़ी के द्वारा अंदर प्रवेश कर रही है, प्रकाश की किरणें चंद्र नाड़ी के द्वारा अंदर प्रवेश कर रही है। ईड़ा, पिंगला, सुषमा, सारा प्राण प्रवाह उत्तेजित हो रहा है, हर जगह से प्रकाश के पुंज निकल रहे हैं, और थैलेमस जो केंद्र है वहां जाकर काम कर रहे हैं और उसे प्राणवान बना रहे हैं। रोके तब ये सब भावना में बोलना है, पहले श्वास भरे, कल्पना करें प्रकाश की किरणें चंद्र नाड़ी के द्वारा अंदर प्रवेश कर रही है। अब रोके तब कल्पना करें ईड़ा, पिंगला, सुषमा सब में प्राण प्रवाह उत्तेजित हो रहा है, प्रकाश का किरण थैलेमस स्थिति में जा रहा है, सब प्राणवान बन रहे हैं। जैसे जैसे आप इस प्रयोग को बढ़ाते रहेंगे, मन शांत होता जाएगा, चंद्र की शिथिलता आपके अंदर आने लगेगी, ज्योतिपुंज प्रकाश आपका वहां की जो समस्या है उसको हटा देगा। फिर एक बार प्रयोग कीजिए। अब हमें दाई नाड़ी से श्वास छोड़ना है। अभी हमने बाई नाड़ी से श्वास लिया, रोका और बाई नाड़ी से ही छोड़ा। पहला प्रयोग एक बार वापस कीजिए। पहला प्रयोग, दाई नाड़ी, दाई बंद कर दी और बाई से श्वास भरे, प्रकाश का पुंज चंद्र नाड़ी से अंदर जा रहा है। रोके कल्पना करे पूरा प्रकाश, ज्योतिर्मय प्रकाश, ईड़ा, पिंगला, सुषमा सबको प्राणवान कर रहा है, अंधेरा मिट रहा है, चिंता दूर हो रही है, प्रकाश से भरा हुआ है। श्वास छोड़ते जाइए, कल्पना करे सब विकार बाहर निकल रहे हैं, आवेश और आवेश बाहर बाहर बाहर, सारे ब्रह्मांड में निष्कासित हो रहे हैं। पीला मैटर, मटमेला मैटर बाहर जा रहा है, जार बाहर जा रहा है। अब यही प्रयोग करना है, परंतु चंद्र नाड़ी से श्वास लेना है और सूर्य नाड़ी से श्वास छोड़ना है, बीच में श्वास रोकना है। तो प्रणव मुद्रा करें, पहली अंगूठे के बाजू के दो बंद करें और लास्ट की दो उंगलियां खड़ी, पहली अंगूठा खड़ा। पहले अंगूठे से लेफ्ट राइट साइड बंद करे, लेफ्ट साइड से श्वास भरे, प्राण ऊर्जा शक्ति अंदर अंदर जितना ले सके ले। उसके बाद दोनों नाक पर
दोनों बंद कर दीजिए, दोनों बंद करके कल्पना करिए, प्राण ऊर्जा सब तरफ फैल रही है, अंधेरा मिट रहा है, मन शांत हो रहा है, आवेश और आवेग दूर हो रहे हैं। फिर चंद्र नाड़ी को यानी लेफ्ट को बंद रखते हुए राइट नाड़ी से श्वास छोड़ते हुए बोलो, सब कुछ बाहर ब्रह्मांड में निष्कासित हो रहा है, पीला प्रकाश बाहर जा रहा है, आवेश शांत हो रहा है। बस यही बातों को दोहराना है और ये प्रयोग करना है, इससे कॉमन सारे जो रोज की समस्याएं राग द्वेष गुस्सा ये सब कम करने के लिए चंद्रमा का शांत विशाल हमारे शरीर में जाए। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में मनोविकार के प्रकार बता देती हूँ कि लोगों को किस प्रकार के मनोविकार होते हैं, और उसको जानने के बाद शॉर्ट में अगर प्रयोग करने का मिला तो वापस हम समताल श्वास प्रेक्षा करेंगे। पहला विकार है वो आवेश भरी मन स्थिति, सबसे पहला होता है, 6 भागों में इसको विभक्त किया हुआ। सबसे पहली सबसे तालमेल न बैठने वाली व्यक्ति वो होती है असंतुलित व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, गुस्सा आना, छोटी बात पर आवेश आना, ये असंतुलन होता है। यही क्रोध रूपी आवेग सारे स्वभाव बन जाता है और ये बाधक के रूप में काम करता है। जैसे जैसे ये बढ़ता है जटिलता मनुष्य में बढ़ती जाती है और उसकी मनस्थिति खराब होते 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 वो आवेश भरी मनस्थिति में जब जाता है, भले वो आवेश कामना पूर्ति का हो, कोई कामना पूर्ति नहीं हो गई तो गुस्सा आ रहा है, समझ लो कि कोई असफलता हो रही है तो गुस्सा आ रहा है, बहुत प्रयत्न किया व्यसन है वो जा नहीं रहा है, तो हर छोटी मोटी चीजें ये आवेश को आदमी को बढ़ाएगी और इस पर वो बेचैन रहने का, कभी उत्तेजना से बहुत गुस्सा करेगा, कभी एकदम शांत बैठ जाएगा, चंचल हो जाएगा, बहुत सारी चरम सीमा पर पहुंच पर प्रतिक्षण वो इसी तरह जीता रहेगा कि वो व्यक्ति लोग कहेंगे कि वो तो ना साइकिक हो गया है। तो इस प्रकार पहला है वो आवेश भरी अवस्था, क्रोध की अवस्था, गुस्से की अवस्था। दूसरी अवस्था है वो सनक, सनक बोलते कुछ सनक आती है, भय की अवस्था, शॉर्ट में बोले तो भय की अवस्था, छोटी सी छोटी चीजें होती है तो बस एक दिमाग में आ जाती है और उससे उसका मन विचलित हो जाता है और उससे भ्रामक कल्पनाएं दिमाग में आती है। वो कल्पना चाहे जैसे डोरी को सांप समझने की कल्पना हो, पेड़ की छाव को भूत समझने की कल्पना हो, ये एक क्षण भर के लिए ठीक है परंतु कंटिन्यू वही दिमाग में भ्रम बढ़ते बैठे गए तो फिर वो साइकिक हो जाता है। कोई बोलेगा मुझे कोई मारने आ रहा है, वो मेरा गला दबा रहा है, कुछ होता नहीं है, ये भय होता है। साइकिक लोग देखो मैंने देखा है, मैंने खुद ही अनुभव किया, मेरे एक फ्रेंड है बहुत अच्छी थी वो, बहुत बढ़िया थी, मेरे को इतना अभी भी याद आता है, तो मेरा वो साइकियाट्रिक थी, PhD की थी उसने, परंतु आखिरी क्षण में वो ऐसे हल्का कोई आता है मेरा गला दबाता है मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, वो इफेक्ट हो जाता है। तो भय आदमी को कहाँ तक पहुंचता है, तो वो थोड़ा होता है कोई डर लगता है किसी से कि इस व्यक्ति से मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं ये मेरा अहित चाहता है, वहां तक ठीक है, परंतु वो बढ़ता जाता है तो फिर वो अवसाद बन जाता है और उसको ये अवसाद कहते हैं। तीसरा प्रकार अवसाद, तो पहला है क्रोध गुस्सा, सेकंड है वो सन्नक भय, तीसरा है वो अवसाद। अवसाद यानी निराश हो जाना, कोई आशा ही नहीं रहना, ये भय है वो उदासी में बदल जाता है, इतना कायर हो जाएगा, इतना कायर हो जाएगा कि कुछ लोग आप देखोगे ना दरवाजा मतलब बेल बज गई तो एकदम कोने में जाके घबरा के बैठ जाएगा, बोले कोई आ रहा है मुझे मारने आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, बस हो गया वो, उसको हम कुछ कर ही नहीं सकते, इतना मतलब वो घबरा जाएगा। तो ये सब अवस्था है वो
आगे पहुंचती हो तो सामान्य व्यक्ति डर लगता है तो देखता है कौन आएगा, इससे मुझे डर है कि नहीं, परंतु जिसका जो ये निराशा भय कायरता बढ़ जाती है तो वो व्याधि के रूप में हो जाती है, वो मनोग्रस्त हो जाता है। तो अवसाद के कारण ये निराशा एक बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ा रोग, और ये सहज किसी को भी हो सकता है, किसी को भी होता है, सहज हो जाता है। संसार में रहते हैं, संसार में रह रहे, सब आपस में बातें कर रहे हैं, किचन में बैठे और आप हॉल में बैठे हैं, और आप बैठे हैं, आप ग्रुप में नहीं है, फिर आप बोलेंगे मैं अकेला हूं, मेरे से कोई बात ही नहीं करता है, मेरे जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है, देखो कितने मजा करे, और मैं अकेला, मेरी जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं। मतलब वो व्यक्ति इस तरह अपने आप को असहाय महसूस करेगा, अपनी भावना निराशा निरुत्साह से जीवन जिएगा, सामने भी सब बैठेंगे तो वो बात नहीं करेगा, वो सब ये आपसे बात करे, मेरे से तो कोई कर ही नहीं रहा है, ऐसे समझ के ऐसा मुंह पलट करके बैठेगा कि लोग भी उसके साथ बात नहीं करेंगे और उसका वो और बढ़ता जाएगा। इस प्रकार ये अवसाद धीरे धीरे एकदम मनोरोग में बन जाएगा। दूसरा, एक व्यक्ति में धैर्य नहीं होता है, अधैर्य अधैर्य आतुरता, मतलब कुछ करना है परंतु उसमें स्टैमिना नहीं होता, और नहीं होता है बस खत्म, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, बस ये आतुरता जो होती है, धैर्य ये खत्म हो जाता है। ये धैर्य जब मतलब व्यक्ति को इतना बेचैन करता है, इतना बेचैन करता है कि उससे फिर हार्ट अटैक आ सकता है, कोलाइटिस हो सकता है, पेप्टिक एल्सर हो सकता है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिसमें अतु मतलब धैर्य नहीं है, वो तो डेफिनेटली कभी ना कभी सिजोफ्रेनिया भी कह सकते हैं इसको, वो बिल्कुल मानसिक रोगी बन ही जाएगा। अगर वो जीवन का एक छोटा सा रूप है कि वेट तो करना ही पड़ेगा, प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, अगर आपकी वो कैपेसिटी नहीं है तो वो बात होगी नहीं, और होगी नहीं है तो फिर क्या करना है, छोड़ देना है उसको, पर नहीं, वो क्यों नहीं हो रही, ऐसे करके पागल हो जाएंगे। समझे आप लोग, एकदम सिंपल बात है कि भाई मुझे फर्स्ट आना है, पढ़ाई कर ली, बहुत अभ्यास कर लिया, बात मुझे फर्स्ट आना है, परंतु तो इतना आसान नहीं हो सकता है कि नहीं आ गई फर्स्ट तो एक्सेप्ट नहीं करना है, क्यों नहीं आई मैं फर्स्ट, इतना बेस्ट के मैंने कितना प्लान किया, अरे पर तेरे प्लान से तो वो साइकिक हो जाएगा, मैड हो जाएगा। इस तरह छोटी छोटी बातें, ये तो एक मैंने उदाहरण दिया। कनक जी एक दो बाद में एक दो क्वेश्चन लेते, ये पूरे चैप्टर में 6 प्रकार बन देते, चौथा आतुरता हो गया। ये आतुरता के भी मतलब इसमें हम बहुत असंतोष होता है, वो व्यक्ति को संतोष नहीं होता है, और सारा असंतोष उसका सुख शांति निकाल लेता है, तो इस प्रकार वो व्याधि बन जाता है। दूसरा, पांचवा है वो अपराधी मनोवृत्ति, व्यक्ति की वृत्ति ऐसी होती है कि भाई छोटी सी घटना हो गई तो अपने आप को इतना गिल्टी फील करेगा, मेरे हाथ से गलती हो गई, हो जाती है, इंसान है, गलती तो हो ही जाएगी, परंतु नहीं, आत्मग्लानि इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि इसका तनाव मन स्वास्थ्य पर आएगा, शरीर पर आएगा, सब पर आएगा, और वो अपने आप को इतना गुस्सा करेगा, पैर बिल्कुल पटकेगा, क्या हुआ, मैंने किया, मेरे पे बिल्कुल माथा टपकेगा, कोई तो मतलब कुल्हाड़ी लेके मारने को तैयार होगा, अपने आप को मारने को, खत्म करने को तैयार होगा। ये है बीमारी, वो है अपराधी मनोवृत्ति की, ये डिसऑर्डर हो जाती है, मनोवृत्ति अपराधी मान जाती है, आक्रामक चिंतन हो जाता है, तो ये विकार बहुत बड़ा और लास्ट लास्ट में बहुत कठिन काम करता है। और लास्ट है वो अल्पमंदता, अल्पमंदता, समय पूरा हो रहा है, 1 मिनट में मैं पूरा करती हूँ, कि अल्पमंदता होती है वो कदाचित हो सकता है जन्मजात होती है, जैसे जन्म हुआ उसकी बुद्धि ही कम होती है, अल्पमंद होता है, परंतु वो होने के कारण वो व्यक्ति मस्तिष्क पर जो परिणाम हो सकता है वो आगे जाके वो व्यक्ति फिर मानसिक रोगी बन जाता है, क्योंकि सही दिशा नहीं मिलेगी उसको तो वो फिर बीमार हो जाएगा। अल्पमंद व्यक्ति, ये ऐसे देखा जाए तो बचपन से मतलब बाय बर्थ ये सब हो सकता है, परंतु इसको अगर सही दिशा मिली तो कुछ लोग अपन देखते मूक बधिर मंद बुद्धि वाले बहुत कुछ कर सकते, करते भी हैं अगर सही दिशा मिली, अगर उनको सही दिशा नहीं मिली तो वही व्यक्ति फिर रोगग्रस्त हो जाते हैं, तो कुछ रोग से भी व्यक्ति को मन स्थिति अल्पमंद हो जाते, तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के साइकोलॉजी हो सकती है।
तो ध्यान में रखने की चिंता यही है कि पहले तो आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, दूसरा भ्रम नहीं करना चाहिए, तीसरा निराश नहीं होना चाहिए, चौथा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, पांचवा आपराधिक मनोवृत्ति नहीं रखनी चाहिए, और छठा है अल्पमंदता। ये 6 प्रकार हमने बताए। थैंक यू अशोक जी, ये शॉर्ट 6 प्रकार बताए, और इन 6 प्रकारों पर हम नेक्स्ट टाइम में कोशिश करेंगे कि और प्राणायाम के कौन कौन से प्रकार है। मेरे पास तो मतलब उसका तो बहुत, ये मस्तिष्क के अगर ऐसे दिखा जाए तो एक एक मस्तिष्क का भाग भी दिखाया है पुस्तक में, तो अवसाद का परिणाम कहाँ होता है, ये सब मैं तो नहीं कर पाऊंगी। अगर कोई एक्सपर्ट मिला तो मैं जरूर बुलाऊंगी, पर प्राणायाम के प्रयोग हम जरूर करेंगे। इसी के साथ कुछ प्रश्न हो तो बात करते और फिर हम। मरहम, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने मानसिक बीमारियां क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में बताया। एक जिज्ञासा प्रश्न मेरे दिमाग में है, जो हर परिवारों में देखते हैं कि देखिए बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं तो सभी बच्चों का दिमाग एक सरीखा नहीं होता है। कुछ बच्चे तेज प्रखर होते हैं, अच्छे मार्क लाते हैं, और कुछ बच्चे कम मार्क लाते हैं, तो उन्हें पेरेंट्स प्रेशर देते हैं ज्यादा मार्क लाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, दिन भर पढ़ो 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 पढ़ो। तो क्या यह भी मानसिक बीमारियों का कारण हो सकता है? बिल्कुल, उससे भी साइकोलॉजिकल परिणाम तो निश्चित होता है आनंद भाई जी। इसीलिए माता पिता को और स्कूल को और मित्र परिवार सबको सजग रहना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, या तो अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि तेरे को ये करना ही, ये करना ही, ये करना ही। एक उसका एक छोटा सा वीडियो आया था बहुत सुंदर, बीच में मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें वीडियो देखा था कि वो बच्चा हॉस्टल जा रहा है तो उसके हाथ में एक रैकेट बैट भी थी, क्रिकेट की बैट थी, तो उसका फादर बोल रहा है कि देख इस बार तेरे को 90% के ऊपर लाना ही है, डॉक्टर तो बनना ही है नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। मैंने सबको कहा है कि मेरा बेटा को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, तो तेरे को पढ़ाई करना है, रात दिन पढ़ाई में लगना है। फिर उसके हाथ से बैट लेता है, ये बैट क्यों लेके जा रहा है, खेलना है क्या, वहां पढ़ाई करने जा रहा है तू। मतलब उसको इतना टेंशन हो रहा है, जैसे जैसे वो बोल रहा है उसको टेंशन हो रहा है, और इतने में दरवाजा बजता है, कोई आ रहा है, तो उसको फ्रेंड आता है और आता ही गुस्से में बोलता है उसके फ्रेंड को पागल है माता पिता। ये तो वो बोलता है अभी अभी मैं आया हूँ, मेरा एक आपका फ्रेंड है उसका बेटा पागल हो गया है, पता है क्यों, क्योंकि उसका माँ बाप ऐसे ऐसे करते प्रयोग थे, उससे अपेक्षा रखते थे, अरे बच्चों को खेलने दो, उनके हिसाब से जीने दो। वो लड़का सुनता है तो उसको अच्छा लग रहा है। तो इसी प्रकार आनंद भाई जी आपने कहा वो बात बिल्कुल सही है, होता है उससे परिणाम डेफिनेटली होता है, और साइकिल खो भी जाते, तो इसीलिए हमें समझना चाहिए। पहले कनक जी क्या पूछ रहे थे, वो एक बार कनक जी को पहले अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद अशोक भाई जी बात करेंगे। यस तेरे कनक, कांता जी धोखा ने एंड्राइज किया कांता हुआ है। जी, कांता जी बोलिए, फिर कनक जी को लेते हैं। कनक जी, कांता जी जी, यस। सॉरी कनक नहीं, कांता, कांता ही हाँ जी जी, जिनेन्द्र, जय जिनेंद्र। वो मेरे मदर इन लॉ को डिमेंशिया प्रॉब्लम है, तो क्या कभी कभी तो नींद नहीं आती है, मेरा सिर घूम रहा है ऐसे बोलते हैं, तो उसके लिए कौन सा प्राणायाम करना? और कभी कभी तो ऐसे रोने भी लग जाते हैं। कांता जी मैंने परसों ही बताया और आज वापस रिपीट करती हूँ कि पर्सनल प्रॉब्लम हो तो मैं एक फोन नंबर दूंगी, आप डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको अच्छा गाइडलाइन अच्छा करेंगी। होता क्या है कि कब से हुआ है, उसके लिए कोई दवाई ली क्या, डॉक्टर के पास गए क्या, ये सब चीजों को चेक करना पड़ता है एकदम, कोई प्रश्न के साइकिक हो या फिजिकल हो। नहीं, योगिक मैंने उपचार सोचा किए, कि शायद दीर्घ श्वास परंतु प्रेक्षा या उनको आप आराम प्राणायाम। से, आप आराम से उनको कायोत्सर जैसा प्रयोग करा सकते हैं, उनके पास बैठ के माथे पे हाथ रख के कि पूरा शरीर शिथिल करो, और मन में जो उनको कोई चिंता है तो सब जा रही है, आप देखो आराम करो, जैसे जैसे शरीर शिथिल हो रहा है इस तरह उनको हाँ कायोत्सर के प्रयोग को अपने हिसाब से करके, और फिर जब वो ठीक होते थोड़े व्यवस्थित होते तो उनको दीर्घ श्वास का प्रयोग डेफिनेटली रिजल्ट लाएगा ही लाएगा वही निश्चित। पूछ रहे ये थे। समतल श्वास प्रेक्षा भी ये काम करता है, ये अच्छा समतल श्वास प्रेक्षा भी उनको ऐप पे सिखाना है, कुछ करना नहीं है, उनको बोलना ये बेल बजी तब श्वास लेना है, ये बेल बजी तब श्वास रोकना है, ये बेल बजी तब श्वास छोड़ना है, तो वो, और जब रोकेंगे तब बोलो कि मैं शांत हूँ, मेरे सारे प्रॉब्लम खत्म हो रहे हैं, देखो आपके सारे प्रॉब्लम निकल जाएंगे, इस तरह उनको समझा देंगे तो शायद हो भी सकता है। ये सब साइकिक होता है तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा ही। यस अशोक भैया। ठीक है। ओ महाराज, ओ महाराज, आजकल बच्चे जो शैतानी करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, भाई ऐसा मत करने तो पुलिस आ जाएगा।
ऐसा नहीं करने का, मैं तेरे को इससे बंद कर दूंगा, तो उसकी जो शैतानियां वो थोड़ी कम हो जाती है, तो क्या वो ऐसा करे तो सही है? सही नहीं है अशोक जी, ऐसा करने से फिर बाद में क्या हो जाता है कि बच्चों को पता चलता है, तो एक तो वो पॉजिटिव ले लेते, वरना वो कोई भी बात वो व्यक्ति कहेंगे तो वैसे ही मानेगा। हम मालूम है बचपन में भी ऐसे ही कहते थे, मुझे मुझे पता है सब आपका, इस तरह भी बोलते हैं। अब मेरे यहाँ ऐसे एक पोती को वैसे बताते थे तो वो मानती थी, और पोते को अब हो गया मतलब पता ही है सब, कुछ नहीं होता, मुझे सब पता है, मतलब वो हाँ, अब कुछ स्मार्ट बन गए हैं। तो ये व्यक्तित्व के व्यक्तित्व पर होता है, परंतु ऐसा इन जनरल नहीं करना चाहिए, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं आता है, मतलब ठीक है। यस दी विचारों की अधिकता भी एक मानसिक व्याधि का कारण है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने बोला ना कि मन को एक बार हमें क्लास लेनी पड़ेगी, हम मन को समझेंगे कि मन क्या होता है, अमन क्या होता है। जब तक हम मन से अमन की व्यवस्था तक नहीं जा सकते, तब तो ये प्रॉब्लम हो गई। जितने ज्यादा विचार उतना मन अस्वस्थ होगा ही, और उसी विचार में से कोई विचार अपने को बीमार भी बना सकता है, डेफिनेटली वो प्रॉब्लम करता है। देखिए रीता जी, विचारों का सिलसिला कम करने के लिए समताल श्वास प्रक्रिया बहुत ही रामबाण इलाज के रूप में सामने आ रहा है, और आज दुनिया में करीब 60-70 कंट्री में लोग इसे अपना रहे हैं और नियमित अभ्यास कर रहे हैं। तो जैसा कि ऐप आपने डाउनलोड कर रखा होगा, नहीं तो ऐप डाउनलोड कीजिए, और नहीं, मैं कर रही हूँ सर, मैं कर रही हूँ। इससे विचारों का सिलसिला निश्चित रूप से कम होगा, निश्चित रूप से कम होगा। ये बिल्कुल सही बात है कि विचार आने कम होते ही है उससे। ओ माय गॉड, यस, द ओनली वे टू द ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू, बस। एंड विश्वास कीजिए कि मैं कर रहा हूँ अच्छा है, और अच्छा ही करूंगा, और अच्छा ही करूँ तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इसी के भाव के और साथ। एक एक बच्चों के लिए क्लास आप रखनी चाहिए अलका जी, जो हम बच्चों को साथ में लेकर बैठे। बच्चों की अलग क्लास होती है हमारी, मई महीने में समर कैंप में होती है सुशील जी, हम अच्छा उनके लिए स्पेशल सब पूरी कहानियां, गीतिकाएं और पजल्स गेम्स के साथ क्लास करते हैं, तो हो सकता है हमारी इस मई में भी चालू हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेटली। धन्यवाद। हाँ जी, चलिए आनंद भाई ओम जी, अरहम, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे शक्ति भीतर अनंत मेरे चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब गुरुदेव के गुरुदेव क्या, आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम गुरुदेव सब के गुरुदेव क्या आभारी। बारे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी, स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। और नए सभी वर्ष साथियों, की संकल्पना करे, कल्पना करे कि मैं कुछ लोगों को जोड़ूंगा, इस यस विकल्प में यस, लाऊंगा, ऐप डाउनलोड कराऊंगा, सबका जीवन सुखमय हो, इसके लिए मैं भी कुछ ना कुछ करूंगा, इसी भाव के साथ हो मारा अशोक जी। सभी साधक साधिकाओं को नए साल की शुभकामनाएं, इसी शुभ भावनाओं के साथ में फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज। ओम ओम। अरहम, आज का सेशन हम ही एंड कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम। ओम।